हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। शुरू आज इस वीडियो में BSc एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, बीज उत्पादन हेतु जौ को कब बोना चाहिए? तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उत्पादन हेतु सरसों को कब बोना चाहिए? तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ की सीड रेट क्या है? तो 75 kg प्रति हेक्टेयर जौ की सीड रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की सीड रेट क्या है? तो 5-8 kg प्रति हेक्टेयर सरसों की बीज रेट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ के लिए एनपीके कितना होना चाहिए? तो 40-50 kg नाइट्रोजन, 30 kg फास्फोरस तथा 20 kg पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के लिए एनपीके कितना होना चाहिए? तो 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 ग्राम पोटास देना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ का छिलका रहित किस्म है? तो करनाल 4, करनाल 3, करनाल 18 ये प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRRI का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कंटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1999 से 2000 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्द व मूंग के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो 10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो 400 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो 200 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पृथक्करण कितना रखेंगे? यदि अनावृत कण की संभावना हो तो 150 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुकंदर में बीज पृथक्करण कितना रखेंगे? यदि आधार बीज उत्पादन करना हो तो 1600 मीटर की दूरी रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, चुकंदर में पृथक्करण कितना रखेंगे? यदि प्रमाणित बीज प्राप्त करना हो तो 1000 मीटर की दूरी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उत्पादन की दृष्टि से सबसे अच्छी भूमि है? तो दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। सफ़ेद, लाल तथा पीले रंग में पाई जाने वाली कौन सी फसल है? तो मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकृत बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो पर्पल कलर का लगा होता है, बैंगनी कलर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो ब्लू कलर का लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी बीज विशेषज्ञ प्रोफेसर A.S. कल्टर USAID कार्यक्रम के अंतर्गत भारत कब आए थे? तो 1961 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बीज अधिनियम कब पारित किया था? तो 1966 में पारित किया था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो डेली अपलोड की जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अधिनियम कब पारित किया? तो 1966 ईस्वी में पारित किया था। बीज नियम कब बनाया गया? तो 1968 में बनाया गया था। बीज
प्रमाणीकरण के मानक कब निर्धारित किए गए? तो 1971 में निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज नियंत्रण आदेश कब जारी किया गया? तो 1983 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 2001 में बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन अधिनियम को कब स्वीकृति मिली? तो 2002 में मिली थी। बीज सूचकांक क्या है? तो 100 बीजों का वजन बीज सूचकांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज परीक्षण भार क्या है? तो 1000 बीजों का भार बीज परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा में अर्गट का कारक क्या है? तो स्पोरा ग्रेमनी कोला इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जो कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ के लिए पृथक्करण क्या रखते हैं? तो 3 मीटर का पृथक्करण दूरी रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो 100 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है। सरसों के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो 50 मीटर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों को आनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण किस विधि से करते हैं? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज मूल्यांकन का पहला कदम क्या है? तो भौतिक शुद्धता ज्ञात करना इसका बीज मूल्यांकन का पहला कदम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज पर कैसा टैग लगा होता है? तो व्हाइट कलर का लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकृत बीज का उत्पादन कौन से बीज से किया जाता है? तो आधारी बीज से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनक बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो गोल्डन कलर का टैग लगा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बोने तथा खाद डालने का काम कौन सा यंत्र साथ साथ करता है? तो फाल्टी सीड ड्रिल विद मशीन है, वो साथ साथ दोनों कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो धान का सबसे अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की रोपाई के लिए पौध कितने दिन में की होनी चाहिए? तो 25 दिन की होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के बीज को कितनी गहराई पर बोना चाहिए? तो 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिया रोग किस फसल में लगता है? तो जौ में लगता है, जौ का प्रमुख रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की जीवन क्षमता परीक्षण में कौन क्या प्रयोग किया जाता है? तो 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।